ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज कैपिटल आर एन, या रेडियस ऑफ सर्कल इज ए एंड इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू डाइपोल। एंड इट इज लार्ज इन कंपैरिजन टू, क्या आया बच्चों? देखो E at A कितना है ना, ये जो X एक्सिस के अलॉन्ग जो डाइपोल रखा हुआ है इसकी वजह से लिख देता हूं 2kp/a³ i कैप, और जो y एक्सिस में रखा हुआ है उसकी वजह से नेगेटिव आएगा, तो माइनस के इंटू √3p/a³ j कैप। ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ जाए। और पोटेंशियल एट ए कितना है? ए पर तो √3p की वजह से कोई पोटेंशियल होगा नहीं, सिर्फ पी की वजह से होगा, तो वो हो जाएगा kp/a² बी पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो कैसा आएगा बेटे? -kp/a³ i कैप प्लस √3kp/a³ j कैप। और पोटेंशियल एट बी आ जाएगा √3kp/a। देखो मैच करो बच्चों,
देखो समझ में आया कि नहीं आया। ए पॉइंट जो है वो पी के लिए तो कैसा है, एक्सेस, और बी के लिए और रूट थ्री पी के लिए इक्वेटोरियल ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पी की वजह से पता लगाया तो टू के पी वेक्टर बाय आर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और जब रूट थ्री पी की वजह से लगाया तो माइनस के पी बाय आर क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सर हाँ बेटा, सर वी ए में के पी बाय आर स्क्वायर आएगा ना, वी ए में? यस सर। हाँ वही तो लिखा है सर, एस ओ सर सॉरी सर, है ना, आर इज ए, रेडियस इज ए। क्लियर है भाई? यस सर। अच्छा हमसे ये पूछा जाए कि इस पूरे स्फेयर पर ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम इस स्फेयर की बाउंड्री पे।
क्या आया बेटे, क्या कोऑर्डिनेट्स आए? बिल्कुल सही बात है, 60 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। देखो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या रखा हुआ है, एक सिंगल डाइपोल रखा हुआ है, जैसे ये है P और एक है रूट थ्री, अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा 2P। और ये एंगल 60 डिग्री, तो यहां पर मतलब यू कैन रिमूव, अब रूट थ्री पी और पी को आप हटा ही सकते हो, है ना, रूट थ्री और पी और इसको आप अब हटा सकते हो पूरी तरीके से, और आप मान सकते हो कि हमारे पास क्या है, अब सिर्फ एक डाइपोल है जो कि 2P डाइपोल मोमेंट का है और ऐसे 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन। ठीक है, ऐसे 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन। अब देखो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है ना, तो जहां पे थीटा जीरो होगा वहीं पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, तो थीटा जीरो मतलब पी वेक्टर की ही डायरेक्शन में आर वेक्टर होना चाहिए, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। इसको कुछ नाम दे दो आप, लेट्स से के एम मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या है ना, 60 डिग्री। अब ये इसकी रेडियस ए है, तो कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं अपन, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए बाई टू और इधर डिस्टेंस हो जाएगी रूट थ्री ए बाई टू, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए बाई टू कॉमा रूट थ्री ए बाई टू पर पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? और वो मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू, सही बात है, अगर पता करनी हो तो वो कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा, पी की जगह लिख देंगे 2P कॉस 0 डिग्री बाई ए स्क्वायर, यानी 2KP बाई ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम पोटेंशियल। वैसे तो हमें पॉइंट ही बताना, तो ये आंसर इसका है ना। और देखो और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि एक डाइपोल है आपके सामने, ठीक है, देयर इज अ लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ ना एक सेकंड। हाँ ओके सर, हो गया। हमसे कहा जाए ये एक डाइपोल है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इसका पी है, और एक पॉइंट है जो कि इस डाइपोल से कुछ ए डिस्टेंस पे है, ठीक है,
मान लो उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, एंड देन देयर इज अ पॉइंट बी विच इज लेट्स से एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द डाइपोल. और ये जो एंगल है लेट्स से दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है. और हमें क्या करना है, एक स्मॉल क्यू चार्ज के पार्टिकल को स्लोली ए से बी पॉइंट तक मूव करवाना. तो कितना वर्क करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज स्मॉल क्यू स्लोली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो कैसे लिखेंगे बच्चों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हो नहीं रहा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्यू इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस क्यू इंटू इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल. क्यू कॉमन आया, फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए. क्यू को मूव करवा रहे हैं तो ये तो हमारा सोर्स चार्ज हो गया, सॉरी टेस्ट चार्ज हो गया. और पोटेंशियल लिखेंगे डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल की वजह से बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा के पी कॉस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, माइनस ए का पोटेंशियल कितना आ जाएगा के क्यू बाई ए का स्क्वायर. कॉस 120 डिग्री इज माइनस 1/2, तो क्यू इंटू माइनस के पी बाई 2b स्क्वायर माइनस के पी बाई ए स्क्वायर माइनस के पी क्यू 1/2b² प्लस 1/a². ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इतना आ जाएगा.
डन सर। समझ में आ गई बात भाई? यस सर। ओके, अब देखो ये है, यहां पर हमने क्या किया हुआ है, डाइपोल को इन सारे क्वेश्चंस में हमने सोर्स माना हुआ है ना, और डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस किया, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से किसी और पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, ठीक है। अब लेट्स से हमको करना है डाइपोल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट, है ना, फोर्स ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे लगने वाला फोर्स। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या। अब देखो डाइपोल का कुछ भी ओरिएंटेशन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर जगह सेम है, एट एवरी प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, तो फोर्स ऑन डाइपोल कैसे लिखेंगे, क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑन डाइपोल विल बी जीरो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन डाइपोल विल बी जीरो। जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स प्लस क्यू पे लगेगा उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू पे लग जाएगा, तो एक डाइपोल पर नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो ही। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। अब नेट टॉर्क की बात कर लें, नेट टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, देखो टॉर्क बेसिकली क्या बताता है, ट्विस्टिंग एक्शन या रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ फोर्स बताता है, टॉर्क बताता है ट्विस्टिंग और रोटेटिंग एक्शन ऑफ अ फोर्स। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड था तो क्या हो रहा था भाई, इन चार्जेस पर फोर्स कैसे लग रहा था,
क्यू पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लग जाता, क्यू ई मैग्नीट्यूड, और माइनस क्यू पर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाता और वो कितना लगता, वो भी क्यू ई मैग्नीट्यूड का। जो ठीक है, अब ध्यान दो के टॉर्क जो हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह के फोर्सेस की वजह से, व्हेन फोर्सेस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स है तो इसको एक्सटेंड कर दो आप, ये लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दिया और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली ये हमें ये बता देगा कि देखो ये वाला फोर्स अगर पीछे लगेगा और ये वाला फोर्स आगे लगेगा तो इन फोर्सेस की वजह से क्या मैं ये फील कर पा रहा हूं कि डायपोल रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, डायपोल इज गोइंग टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। जैसे देखो स्टीयरिंग, कार का स्टीयरिंग अपन पकड़ते हैं तो कार का स्टीयरिंग पकड़ करके दोनों हाथ से फोर्स लगाएं, एक फोर्स थोड़ा नीचे की तरफ एक फोर्स ऊपर की तरफ, तो वो दोनों फोर्स मिलकर के स्टीयरिंग को रोटेट कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप समझो कि ये दोनों फोर्स मिलकर के डाइपोल को चलाएंगे तो बिल्कुल नहीं, आगे नहीं जाएगा, डाइपोल का सेंटर ऑफ मास वहीं रुका रहेगा क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि टॉर्क आएगा यहाँ पे तो टॉर्क इसको रोटेट कर देगा। ठीक है, तो वो जो टॉर्क आएगा वो कितना लिखूंगा मैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो तो हो जाएगा क्यू ई, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं, इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई उनकी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो डाई इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं d मानूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस एंगल को आप थीटा मान लो, ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये थीटा हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d साइन थीटा लिख सकता हूँ और q मल्टीप्लाइड बाय d को लिख सकता हूँ p। तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, पी ई साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई भी लिख देते हैं बेटे, पी क्रॉस ई, मतलब ऐसा डायरेक्शन देखो क्या आ रही है टॉर्क की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है ना, पी से पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो जिस तरीके से, तो पी वेक्टर से ई वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स रोटेट हो रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आ रहा है, ये डाइपोल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगा कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल हो जाए, ई वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर P को अपने पैरेलल ले जाने का ट्राई करें।
क्या ये बात समझ में आती है? हमेशा चाहे इनिशियल डायरेक्शन कुछ भी, अगर पहले ही पैरेलल है तो क्या होगा, तो टॉर्क जीरो आ जाएगा। आप इमेजिन करो कि अगर एक कोई डाइपोल ऐसा होता माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश चार्ज वाला होता, इस तरह का डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसका होता, तो क्या होता, प्लस क्यू पे फोर्स लगता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ही, माइनस क्यू पे लगता इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ही, तो नेट फोर्स जीरो ही रहता कि नहीं रहता, और नेट टॉर्क भी जीरो रहता। ऐसे केस में थोड़ी रोटेट हो पाए। देखो इस केस में हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगा, है ना? जब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आता है। When forces are of equal magnitude and opposite direction, then torque is same about all the points. तो चार वो ये property होती है, है ना? If there are n forces such that their sum is zero, then sum of their torque is same about all the points. ऐसा दो forces के लिए भी होता है। हाँ, ये dipole rotate किस point के about करेगा? अगर ये question है तो rotate center of mass के about करेगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो डाइपोल विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, दैट इज ट्रू। लेकिन ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट आया? दिस इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। ये बात समझ में आई थी? यस सर। नोट कर लिया सबने? अगले पेज पे चलें। यस सर। एक मिनट। Done, sir. Okay. देखो स्पेशल केस, मान लो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, तो इस केस में टॉर्क जीरो रहे। अगर डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी टॉर्क जीरो। देखो नेट फोर्स तो जीरो था ही, नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। तो यहां पे क्या है, डाइपोल को अगर ऐसा छोड़ोगे तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, दोनों ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन। ये भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बिना पॉइंट ऑफ रोटेशन के भी टॉर्क तो कैलकुलेट कर ही सकते हो, है ना? अगर ये मान जैसे फ्री बॉडी रोटेट, फ्री बॉडी भी तो रोटेट करती है ना, क्या फ्री बॉडी रोटेट नहीं करती? जैसे दो तरह के रोटेशन होते हैं ना, एक तो होता है जैसे फैन रोटेट कर रहा है तो उसमें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, और एक होता है कि जैसे वो डाइविंग कंपटीशन होता है ना स्विमिंग में,
तो एक स्विमर क्या करता है, डाइविंग बोर्ड से जंप लेता है, जंप लेकर के अपने बॉडी को पूरा फोल्ड कर लेता है, तो वो भी तो रोटेट होता है, तो उसकी कोई फिक्स एक्सिस थोड़ी है कि जिसके अबाउट रोटेट होगा, लेकिन बिकॉज रोटेट तो हो ही रहा है तो टॉर्क की तो बात हम फ्री बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। फ्री बॉडी का भी तो रोटेशन, हाँ फ्री बॉडी के लिए जनरली टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा अभी यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान दो, दोनों ही इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, लेकिन ये वाली जो पोजीशन है ना, ये इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री वाले इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, एंड ये वाला जो इक्विलिब्रियम है 180 डिग्री वाला, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। रीजन बीइंग इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करके देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर रोटेट करूंगा, है ना, पी को इधर ले आया, तो इस पर टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में लगा देगा ये वेक्टर, और अगर थोड़ा सा ऐसे ले गया, तो इस पर टॉर्क किधर लग जाएगा, वो इस पर टॉर्क है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है कि जब हम डाइपोल को सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वापस इक्विलिब्रियम पे आने की टेंडेंसी है, जबकि इस वाले केस में क्या होगा, मान लो डाइपोल को तुमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट, है ना, इधर ले गए डाइपोल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ बेंड कर लेगा, मतलब इसकी वापस इक्विलिब्रियम पुरानी पोजीशन पे जाने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। उसी तरह से इधर जब डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये इसको ऐसे डिस्प्लेस, है ना, तो यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पे डाइपोल मूव्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसलिए ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन ये वाले इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डिस्टर्ब करते हैं तो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल भी डिफाइन करते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो डिफाइन करने के लिए देखो, पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करते हो तो कोई रेफरेंस पोजीशन लेनी पड़ती है आप, तो रेफरेंस पोजीशन कौन सी मान लेते हो, कि जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उस पोजीशन को बोल देते हैं रेफरेंस पोजीशन, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज टेकन एज रेफरेंस। तो किसी जनरल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन थीटा, रेफरेंस पोजीशन से
उस थीटा पोजीशन तक लेकर जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क का नेगेटिव हुआ है वो अपन अब देखो ये वर्क कैसे कैलकुलेट करें। टॉर्क लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है तो टॉर्क कितना लग रहा होगा, पीई साइन थीटा, ये ऐसा टॉर्क लग रहा है। और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डी थीटा, तो टाउ डी थीटा, एफ डी एस की जगह लिख देंगे टाउ डी थीटा। और ले जा रहे हैं पाई बाय टू पोजीशन से थीटा पोजीशन, राइट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो एक माइनस साइन उसका भी आएगा, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस, पीई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम पाई बाय टू टू थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस पीई कॉस थीटा, लिमिट डाल दें पाई बाय टू से थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय टू, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई कॉस, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस पीई कॉस। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है। देखो, हम रेफरेंस पोजीशन से थीटा पे जा रहे हैं, राइट, तो अपन तो जैसे मैंने बताया था डी थीटा को हमेशा पॉजिटिव ही मानते हुआ कि थीटा बढ़ रहा है उसी दिशा में डी थीटा को अपन मानते हैं, तो भाई बढ़ेगा कब, जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जाए तभी बढ़ेगा, राइट, है ना। और टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन, मतलब डी थीटा हो रहा है ऐसे और टॉर्क लग रहा है ऐसे, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाउ डॉट डी थीटा ऐसा लिखेंगे ना, तो इस वजह से एक नेगेटिव साइन उसके बीच में। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, वो तो हमने माना ही था। ऑब्ट्यूज एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, एक्यूट एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी,
पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वही होता है रेफरेंस से ज्यादा, और नेगेटिव का मतलब जीरो से कम, जो वहां पे रेफरेंस बना था उससे कम। तो देखो ये नोट कर लिया भाई सबने? यस सर। तो क्या है, मान लो हमें जैसे कहा जाए कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी फ्रॉम थीटा इक्वल टू 30 degree टू 150 degree विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। In uniform electric field. ये electric field है, dipole 30 degree angle बनाता था, फिर वहां से rotate करते करते 150 degree तक पहुंचाना है मेरे, तो कितना work करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे भाई स्लोली क्योंकि लेकर के जा रहे हैं, तो वर्क डन विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस पीई कॉस 150 डिग्री माइनस ऑफ माइनस पीई कॉस 30 degree, तो वो आ जाएगा माइनस पीई कॉस 150 डिग्री इज माइनस रूट 3/2 प्लस पी कॉस 30 इज रूट 3/P रूट 3/2 प्लस पी रूट 3/2, तो पी रूट 3 के बराबर का वर्क करना पड़ेगा। अब देखो फोर्स, अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे ये डाइपोल है बेटे, हाँ इसमें माइनस क्यू चार्ज इसी एक्स पोजीशन पे रखा हुआ है और क्यू चार्ज एक्स प्लस डेल्टा एक्स पोजीशन पे रखा, माइनस क्यू रखा हुआ है एट पोजीशन एक्स, क्यू रखा हुआ है एट पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट फोर्स कैसे लिखूंगा मैं?
फोर्स ऑन माइनस क्यू प्लस फोर्स ऑन प्लस क्यू. अब माइनस क्यू पे फोर्स कैसे लिखूंगा, माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स. क्यू पे कैसे लिखूंगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स. राइट, अब यहां से हम क्यू अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको थोड़ा इस तरह से आप विजुअलाइज करो कि डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो और साथ में लिमिट लगा दो डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो. लिमिट क्योंकि डेल्टा एक्स तो बहुत छोटा है, डाइपोल तो बहुत छोटा है इसे, तो क्यू डेल्टा एक्स इंटू ई एट एक्स, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, साइन उल्टा लिख दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो ई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एट एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा कर तो क्या हो जाएगा बेटे, एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी. देखो क्यू डेल्टा एक्स को तो डाइपोल मोमेंट पी लिख सकते हैं और ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो ई एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एट एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. क्या ये डी ई बाय डी एक्स लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन इसी को तो कहते हैं. तो क्या नेट फोर्स इतना आ जाएगा पी डी ई बाय डी एक्स. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन डाइपोल को क्या लिख सकते हैं, पी डी ई बाय डी एक्स. इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी पी डी ई बाय डी एक्स. ठीक है, ये DE by DX की डेफिनेशन होती है ना, ये पता है ना आपने? सर अभी तक लिमिट्स शुरू नहीं हुआ. हाँ बेटा अभी तक लिमिट्स पढ़ाया नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसको ऐसे आप समझो कि जैसे ये अपना कोई वेरिएबल y है ना, तो मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, e की दो वैल्यूज में डिफरेंस डेल्टा e. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स. अब डेल्टा एक्स को जब आप बहुत छोटा रख दोगे तो डेल्टा ई भी बहुत छोटा हो जाएगा, जो चेंज इन ई आएगा वो भी बहुत छोटा हो जाएगा. तो बहुत छोटे चेंज को हम क्या लिख देते हैं, डी ई. ई में बहुत छोटा चेंज हो जाएगा डी ई और एक्स में बहुत छोटा चेंज हो जाएगा डी एक्स. तो ये पूरी वैल्यू डी ई बाय डी एक्स आ जाएगी. तो ये नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है बेटे, पी डी ई बाय डी एक्स, है ना. ये कब काम आएगा, जैसे डाइपोल को आपने एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल के सामने रख दिया, है ना, जैसे कुछ ऐसे रख, मान लो ये डाइपोल पी वन और ये दूसरा डाइपोल है पी टू और इनके बीच में मान लो कुछ सेपरेशन है आर और हमसे पूछ रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय पी टू ऑन पी वन या पी वन ऑन पी टू. न्यूटन्स थर्ड लॉ से दोनों आएंगे तो सेम ही मैग्नीट्यूड. तो उन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे आप,
किसी भी एक डायपोल को टेस्ट मान लो, मान लो पी टू को टेस्ट मान लिया, तो पी वन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और पी वन के लिए ये पूरी पोजीशन एक्सिस वाली पोजीशन है, तो क्या लिख दूंगा, टू के पी वन बाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन पी डी ई बाई डी आर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, एफ इज इक्वल टू पी डी ई बाई डी आर। मैंने क्या मान लिया, ये जो पी टू डाइपोल है वो पी वन के द्वारा प्रोड्यूस्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो आ जाएगा पी टू, टू के पी वन तो कॉन्स्टेंट है, और वन बाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आर की पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस थ्री आर की पावर माइनस थ्री माइनस वन एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स के पी वन पी टू डिवाइडेड बाई आर की पावर फोर। ये फोर्स कितना, ये बात सुनना होती। अच्छा, ये फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का होगा कि रिपल्सिव टाइप का? देखो इस बात को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर भी ऐसा है, यहां पर भी ऐसा, इसको E1 कहूं, इसको E2 कहूं, तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है टू के पी बाई आर क्यूब के हिसाब से। अच्छा, अब इस पी टू वाले डाइपोल को देखो, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। इस पे लगेगा क्यू ई वन, इस पे लगेगा क्यू ई टू, कौन सा फोर्स ज्यादा आ जाएगा, क्यू ई वन या क्यू ई टू? क्यू ई वन, क्यू ई वन ज्यादा आ जाएगा, तो नेट फोर्स इस पर अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा, एफ नेट ऑन पी टू विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बात हम ध्यान रख सकते हैं कि अगर डाइपोल का ओरिएंटेशन सेम हुआ, अगर दो डाइपोल्स का ओरिएंटेशन सेम हुआ, तो देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर उनका ओरिएंटेशन अपोजिट हुआ तो देन दोज डाइपोल्स विल रिपेल ईच अदर। देन दोज डाइपोल्स विल रिपेल ईच अदर। ये बात समझ में आती है? यस सर। अगले पेज पे चले भाई। यस सर। अगर मान लो हमारे सामने ऐसा कह दिया जाए, पेज नंबर नाइन को देख के मैंने क्वेश्चन नंबर नाइन लिख दिया, क्या है, ये एक रिंग है बेटे, है ना, और आर रेडियस की रिंग, और इसका चार्ज क्यू है, ठीक है। हमसे कहा जाए कि एट व्हाट एक्स a dipole must be placed along the axis of the ring so that F net on dipole is zero. At what x dipole must be placed
along the axis of the ring. So that net force on the dipole is क्या बता सकते हैं क्या yes sir बोलो क्या होगा sir dE by dx को zero कर देंगे zero कर देंगे कहाँ पे आता है वो zero ring की वजह से याद होना चाहिए और r by dx कैसा ग्राफ बनता है इसका इस तरह का ग्राफ बनता है yes sir और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होता है x इक्वल टू r बाय रूट टू मैक्सिमम का मतलब वहां पे dE बाय dx जीरो आता है क्यों बेटे यस सर फॉर रिंग एट x इक्वल टू r बाय रूट टू dE बाय dx इज implies force on dipole is है ना अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं अगर मान लो डाइपोल को मैं r by root 2 के आगे रख देता किधर रख देता r by root 2 के आगे या r by root 2 के पीछे रख देता तो दोनों केस में फोर्स की डायरेक्शन सेम आती कि अलग अलग आती ये देखते हैं अपन है ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आएगा देखो डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है मैंने एरो इसका बाहर की तरफ अब यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है अभी क्या हो रहा है जैसे जैसे रिंग से दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो जहां पर प्लस क्यू चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और जहां पर माइनस क्यू चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो माइनस क्यू पे फोर्स पीछे लगेगा प्लस क्यू पे आगे लगेगा लेकिन प्लस क्यू वाला फोर्स माइनस क्यू से ज्यादा होगा तो डाइपोल विल फील रिपल्शन कब आर बाय रूट टू से पहले और r by root 2 के बाद में अगर मैंने डाइपोल को इस तरह से रख दिया तो क्या होगा देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो प्लस q पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बचा है माइनस q पे ज्यादा तो माइनस q पे फोर्स ज्यादा लगेगा प्लस q पे फोर्स कम लगेगा तो इधर डाइपोल विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रे है ना बिफोर r by root 2 डाइपोल विल फील रिपल्शन एंड आफ्टर r by root 2 dipole will feel attracted by the ring. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes sir. ये बड़ा interesting case इस dipole का होता है. Dipole और ring के सामने इस तरह का. अच्छा dipole को एक infinitely large sheet के जैसे कोई हमसे पूछे dipole को infinitely large sheet के सामने रख दिया. तो कितना फोर्स लगेगा भाई इस जीरो फोर्स विल बी जीरो क्यों क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के सामने रख दिया आर डिस्टेंस पे डाइपोल को तो कितना फोर्स लगेगा पी डी ई बाय डी आर माइनस टू के बी लैम्डा बाय आर स्क्वायर बिल्कुल सही बात है डी बाय डी आर ऑन टू के लैम्डा बाय आर तो आएगा माइनस टू के लैम्डा पी डिवाइडेड बाय आर ये ऐसा इस डाइपोल पे फोर्स ये बात समझ में आती है बच्चों यस सर तो ठीक है बच्चों बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे होमवर्क क्या रहेगा आपका
अगली क्लास में हम होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है? आज तक जो पढ़ाया मतलब डाइपोल सेक्शन कंप्लीट आपके सिलेबस में है। तो एक तो सेक्शन एच करके लाना है आप, ठीक है? कौन सा सेक्शन भाई? एच सेक्शन एच, एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू का सेक्शन एच, और एक्सरसाइज टू पार्ट वन की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने पहले कुछ क्वेश्चन दिए। अच्छा अभी आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर नाइन तक। एक्सरसाइज टू पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर नाइन, यस डाइपोल इज कंप्लीटेड। गॉस लॉ नहीं आएगा है ना, डाइपोल तक ही आएगा। डाइपोल इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज वन में सेक्शन एच, ये होमवर्क है। ओके बच्चों बाय बाय सर, थैंक यू, बाय बच्चों।